अपने बच्चे पे एक ट्रस्ट करना, अपनी बेटी पे एक ट्रस्ट करना इज़ अ बिग थिंग. एंड माई फादर ट्रस्टेड मी लाइक एनी थिंग. उन्होंने मेरे को जो भी सपोर्ट चाहिए था इनिशियल डेज में उन्होंने दिया, एंड मैंने अपनी जी जान लगा दी. फिर आज भी मेरी फैमिली में मेरी बुआ, मेरी मासी, मेरी नानी सब लोग घूंघट में ही रहते हैं. एंड ये उनका खुद का एक, दे हैव दैट प्राइड इन दैट थिंग, यू नो, टू हैव दैट घूंघट, टू फॉलो देयर ट्रेडिशंस. सो इट्स अप टू यू. मुझे ऐसा लगता है किसी भी औरत के लिए या लड़की के लिए इट्स नॉट जस्ट द वुमेंस डे विच मैटर्स, इट्स द एंटायर, आई मस्ट से हर लाइफ, हर एक दिन अपनी इस, यू नो, अपनी फेमिनिटी को जीना, एक फेमिनाइन एनर्जी को बरकरार रखना, क्योंकि इसने हमें सब कुछ दिया है. हमारा जो वर्ल्ड है वो इसी से चल रहा है. और आजकल फेमिनाइन एनर्जीज़ को लोग इतना मानने लगे हैं, इतना समझने लगे हैं, उनको इतना ज़्यादा पर्टिकुलर वे में उसकी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दैट इज़ अ वेरी गुड साइन. आई मस्ट से इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ सिंगल डे. कहने का मतलब कि एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, आपको हर दिन अपने इस फेमिनिटी को अच्छे से जीना चाहिए बहुत स्ट्रांगली. देखिए, एक दौर था, एक समय था जब लड़कियों के लिए थोड़ा टफ हुआ करता था किसी भी जगह पे अपनी, यू नो, एक पहुंच बनाना या एक जान बनाना. लेकिन आज ऐसा एक समय आ गया है जहां पे माँ बाप से लेके आपके आसपास के कलीग से लेके, इनफैक्ट योर प्रोड्यूसर्स, योर डायरेक्टर्स, योर कास्टिंग पीपल, मैं अगर मेरी बात करूं, तो इंडस्ट्री में रहने के बाद हर कोई चाहता है कि एक औरत, एक लड़की आगे बढ़े. सो वो खुद चाहते हैं कि हमारे देश की औरत आगे बढ़े और वो सबको वो गर्व, वो प्राइड दे. देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ तो खुद का भी हमारा एक स्टैंड होता है. जैसे मैं एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करती हूँ, राजपूत फैमिली से, जहाँ पे मेरी पूरी इंटायर फैमिली में से कभी कोई बॉम्बे नहीं आया होगा और कभी किसी ने, मतलब, ये सब नहीं किया होगा जो मैं कर रही हूँ. आज भी मेरी फैमिली में मेरी बुआ, मेरी मासी, मेरी नानी सब लोग घूंघट में ही रहते हैं. एंड ये उनका खुद का एक, दे हैव दैट प्राइड इन दैट थिंग, यू नो, टू हैव दैट घूंघट, टू फॉलो देयर ट्रेडिशंस. सो इट्स अप टू यू. आज की जो औरत है वो इतनी ज़्यादा मच्योर है और उसके पास हर तरीके के सोर्सेज हैं जो वो खुद को इतना कर सकती है कि अगर उसे अपनी लाइफ में कहीं स्टैंड लेना है, आगे जाके कहीं और कुछ काम करना है, तो वो करना चाहेगी तो वो कर सकती है. कोई उसको रोकने वाला, शी इज़ अनस्टॉपेबल नाउ. हाँ, इट वॉज़ टफ. मैंने कहा ना, एक समय था जब एक लड़की के लिए बॉम्बे आना तो क्या, घर से निकलना भी बहुत टफ रहता था. एंड एमपी में इंदौर अच्छा शहर है, मगर उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं था उस वक्त. मैं आई थी 2020 में और उस वक्त इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू, यू नो, टू कम टू बॉम्बे. एंड मैं 5 साल थिएटर करने के बाद मैंने जब मेरे पापा को कहा कि आई रियली वॉन्ट टू गो टू बॉम्बे, तो ही वॉज़ वेरी स्कैर्ड, क्योंकि बॉम्बे एक बहुत बड़ा शहर है, कैसी जगह है, कैसे लोग हैं, नहीं पता. लेकिन पता है, अपने बच्चे पे एक ट्रस्ट करना, अपनी बेटी पे एक ट्रस्ट करना इज़ अ बिग थिंग. एंड माई फादर ट्रस्टेड मी लाइक एनी थिंग. उन्होंने मेरे को जो भी सपोर्ट चाहिए था इनिशियल डेज में उन्होंने दिया, एंड मैंने अपनी जी जान लगा दी. फिर वो 6 महीने जो उन्होंने मुझे टाइम दिया था, मैंने उसको 3 साल में कन्वर्ट कर दिया और आई एम स्टिल गोइंग ऑन. टच वुड. यार, बहुत प्राउड फील करते हैं. टीवी मैं उनके साथ बैठ के देखा करती थी. आज मेरी नानी का सपना था कि वो मुझे टीवी में देखे, और वो आज जब मुझे देखती हैं टीवी में, तो उनको तो बस आंसू आ जाते हैं कि हाय, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी बेटी वहाँ पे है. पूरी इंटायर मेरी फैमिली, दादी परिवार, नानी परिवार, क्योंकि बहुत ना, क्षत्रिय फैमिली, राजपूत फैमिली इज़ अ वेरी, आई मस्ट से, ऑर्थोडॉक्स फैमिली. दे डोंट लाइक पीपल गोइंग आउट, देयर गर्ल टू बी आउट इन सच इंडस्ट्री. So I had my hard times also, but now they have accepted me the way I am, and I take care of my things also. मैं अपने rituals नहीं भूलती, मैं अपनी पूजा नहीं भूलती, मैं अपने कान्हा को नहीं भूलती, मैं हर वो चीज़ करती हूँ जो मैं मेरे घर में किया करती थी. तो मेरे family के traditions और rituals वो मेरे दिल में हैं, तो वो कहीं नहीं जाएंगे. It's just आपको अपने माँ बाप को, अपनी family को वो यकीन दिलाना पड़ता है कि वो कहीं भी रहो, आप उन्हीं के साथ हो और वो आपके साथ. सोशल अवेयरनेस बहुत हो गई है. देखिए, सोशल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई कि आजकल इंसान घर बैठे बैठे भी सोशली बहुत एक्टिव हो सकता है. उस वजह से भी बहुत छोटे छोटे गांव कस्बों में भी ये चीज़ पहुंच गई है कि इंस्टाग्राम के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू हर कोई एक दूसरे को जानता है. या उस चीज़ का जो एक मिथ था ना कि सोशल मीडिया पर आना या लोगों को अपनी शक्ल दिखाना इज़ नॉट गुड, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगा है और लोगों को पूरी चीज़ें पता चलने लगी. पहले लोगों को पता नहीं था कि सेट कैसे होते हैं, शूट कैसे होता है, सेट पे कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं जब आप कोई सीन शूट कर रहे होते हो, और वो आपके कंफर्ट के रहते हुए होता है. अगर आप उसमें अग्री नहीं करोगे तो वो नहीं होगा.
सो ये चीज़ें पहले लोगों को नहीं पता थी, लेकिन आज सबको ये चीज़ पता है कि सेट पे इतने लोग होते हैं, इतने कैमराज होते हैं, क्योंकि एक्सेस हो गया ना सारी चीज़ों का. आप आराम से देख सकते हो, आप आ सकते हो, आप सारी चीज़ जान सकते हो कि क्या चल रहा है. देखिए मैं एक चीज़ में बहुत क्लियर हूँ कि अगर आपने ना कह दिया या आपने कह दिया नहीं, उसका मतलब नहीं होता है. फिर वो कोई भी इंसान हो, कोई भी क्यों ना हो, और अगर आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा भी झिझक या डर रखेंगे अपने अंदर, तो कोई भी इंसान उसका फ़ायदा उठाएगा. अगर आप उस चीज़ के लिए क्लियर हैं कि नहीं मतलब नहीं, तो कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता. बहुत सारे होते हैं ऐसे भी इंडस्ट्री में लोग होंगे, बट टचवुड मुझे तो कभी कोई नहीं मिला. मैं जहाँ भी गई हूँ मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं, और मैंने बहुत अच्छा ही काम किया है. और मैं यही चाहती हूँ कि सबको अच्छे लोग ही मिले, और अगर आपको कोई बुरा इंसान मिल भी जाए तो उसको ज़रूर समझाएं कि ना का मतलब ना होता है. आई विश ईच एंड एवरी वुमेन अ हैप्पी वुमेन्स डे. आई विश कि आप हर दिन को अपने वुमेन्स डे को, आप हर दिन वुमेन्स डे जिएं, और अपने इस फेमिनाइन एनर्जी को हमेशा टॉप पे रखें.